हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआईटी की इंदौर के आईआईटी की तैयारी कराने वाले डॉन के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल्पवृक्ष के बारे में। इस वीडियो में आपको कल्पवृक्ष के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसकी फीस, इसके सेंटर्स एंड इसमें फैकल्टीज कौन कौन सी, इसके हेड मतलब इनके डायरेक्टर कौन है और भी बहुत कुछ। तो ये इंदौर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली इंदौर की एकमात्र कोचिंग कल्पवृक्ष है। जैसे इसी साल 2020 में इसमें 99% वालों बच्चे की संख्या थी अबाउट 95 बच्चे थे ऐसे जिनकी 99% प्लस थे, और इंदौर में सबसे ज़्यादा यही थे। जैसे एलएन ने भी दिया है, एलएन ने कम से कम 50-60 दिए ऐसे, वो भी इतने सारे बच्चे होने के बावजूद, लेकिन ये कम बच्चों में ही सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देता है। इसके हेड जो है, इसके दो डायरेक्टर्स हैं, ये वाइफ और हस्बैंड है, दोनों के पास बंसल क्लासेस का एक्सपीरियंस है बहुत सारा। ये सर है विजीत सर, विजीत जैन सर, और ये गीतिका जैन मैम। विजीत सर फिजिक्स पढ़ाते हैं और गीतिका जैन मैम ऑर्गेनिक पढ़ाती हैं। इसे हम कह सकते हैं कि बेस्ट कोचिंग फॉर आईआईटी प्रिपरेशन इंदौर में, इसे इस कोचिंग को हम कह सकते हैं ऐसा बहुत आसानी से। जी इसके आप रिजल्ट्स के बारे में देख लेते हैं। अपन जी एडवांस में, जी एडवांस में अर्पित प्रजापत फर्स्ट था, सिटी रैंक फर्स्ट थी इसकी, और AIR इसकी 46 थी। और भी 5 लोग हैं। वैसे ही हर साल इसने जेई एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे धुरंधरों को निकाला है। ये सिटी रैंक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 2018 में, दो तीनों इंदौर की जो सिटी रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड थी वो यहीं से थी, कल्पवृक्ष से। जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, जिस 2018 के हम रिजल्ट देख लेते हैं। AIR 147 अबाउट 20 बच्चों के 2000 के अंदर रैंक थी। अर्पित प्रजापत AIR 46 2017 जनरल। अक्षय नीमा एडवांस में रैंक 75। कृति तिवारी रैंक 47। जेई एडवांस 2015 ऑल इंडिया गर्ल्स रैंक फर्स्ट फ्रॉम कल्पवृक्ष इंदौर। हाँ, इसमें तीन टाइप के कोर्सेज होते हैं। कल्पवृक्ष जो है तीन टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट कोर्स का नाम जो है वो है इंडक्शन, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। सेकंड कोर्स जो है वो है इम्पल्स, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। और थर्ड है ड्रॉपर्स का, जो वो कर चुके हैं, पास कर चुके हैं अपने 12th एग्ज़ाम। तो इसमें कल्पवृक्ष क्या होता है, कल्पवृक्ष में दो टाइप के एग्ज़ाम्स। पहले सबसे आपको अगर एडमिशन चाहिए कल्पवृक्ष में तो आपको क्या करना होगा, अगर कोई भी आप 11th, 12th में से किसी की एग्ज़ाम देख के अभी आप आए होंगे तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा कल्पवृक्ष में। तो वो टेस्ट का कुछ क्राइटेरिया होता है कि इस क्राइटेरिया को आपने अगर क्लियर कर लिया तो ये आपको एडवांस मतलब एक बैच होती है इनकी, अल्फा बैच, उसमें एडमिशन लेने दिया जाएगा। पहले हम इनके बैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। कल्पवृक्ष में दो टाइप्स की बैचेस हैं, एक अल्फ़ा बैच और एक इनर्ट बैच। अल्फ़ा बैच जो है वो सुबह आठ से रात के 9 बजे तक आपको वहीं रखते हैं। इस बैच में क्या होता है कि आपकी जैसे आप आठ बजे गए तो 8 बजे से आपकी क्लासेस चालू कर देंगे। क्लास लगेगी आपकी अबाउट 2 बजे तक, उसके बाद एक ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद आपको सेल्फ स्टडी कराई जाती है, और शाम में मतलब अबाउट 6-7 बजे एक टेस्ट होता है, टेस्ट, और हाथ के साथ उस टेस्ट का रिजल्ट आता है, चेक करते हैं, आप एनालाइज करते हैं उस टेस्ट को और घर आते हैं। मतलब रोज़ आपकी सेल्फ स्टडी वहीं पर होगी, और सेल्फ स्टडी में वही करना होगा जो आपको वो लोग बताएंगे, और टेस्ट भी वही टेस्ट, कुछ सरप्राइज टेस्ट होते हैं, कुछ जो पढ़ चुके हैं उसका टेस्ट होता है, नई नई चीज़ें होती हैं, लेकिन हर दिन इसमें टेस्ट होता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट की बात है। कि दूसरी बैच होती है इनर्ट बैच। अल्फा बैच की जो फीस है वो क्वाइट हाई है, जैसे 1,70,000 है प्रेजेंटली IIT के लिए, 1,70,000 इसकी फीस है एक साल की। और इनर्ट बैच में आपकी क्या होता है, सुबह 9 से 11 सुबह 2 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी कर जाएगी सिर्फ, फिर आपको घर भेज दिया जाएगा, या आप वहीं बैठ के सेल्फ स्टडी खुद से कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बताएंगे आपको, खुद से करना है आपको। उसके बाद आप 3 बजे जाइए शाम में, और शाम में 3 से 8 आपकी लगेगी क्लास, इसमें आपको सिलेबस कराया जाएगा। इनर्ट बैच में फीस अबाउट, आप फीस इस पर डिपेंड करती है, जैसे अभी 1,70,000 है तो आपको आप जो एग्ज़ाम दोगे एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप के थ्रू आपकी फ़ीस कम होती है, लेकिन वो सिर्फ इनर्ट बैच के लिए। अल्फा बैच के लिए आपकी फ़ीस कभी कम नहीं होगी, वो हमेशा 1,70,000 ही रहेगी। इनर्ट बैच में आपको
फीस कम हो जाएगी, वो हो जाएगी। अगर आप पढ़ने वाले हो अच्छे तो वो 60-70 हज़ार भी हो सकती है आसानी से। बाकी आपको कोशिश करना है कि 1,10,000 से नीचे ही आए फीस। तो अगर आपने वो एग्ज़ाम क्लियर का कट ऑफ क्लियर कर लिया, ये आप जो टेस्ट देते हैं उसका कट ऑफ क्लियर कर लिया, उसके बाद ही आपको अल्फा बैच में एडमिशन दिया जाएगा और सुबह 8 से रात के 9 बजे तक वहीं बिठाया जाएगा। स्ट्रिक्ट काम है बहुत, और आपको फ़ोन ले जाने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, फैकल्टीज भी बहुत अच्छी हैं। दो सेंटर हैं इसके, पहला सेंटर है गीता भवन पे रतलाम कोठी के पास, मतलब कैटलाइजर के साइड से जो रास्ता निकलता है वहीं पर है गीता भवन। उसके नोट्स नंबर आप नोट कर लीजिए। और दूसरा इसका जो सेंटर है वो है अन्नपूर्णा पे, अन्नपूर्णा कैंपस। और भी हम ऐसी नई नई कोचिंग्स के बारे में डालते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको एलएन कैटलाइजर और भी दूसरी कोचिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे जाके उनके बारे में जान सकते हैं। अगर आप इंदौर में नए आए हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं किसी अच्छी कोचिंग में ताकि आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए।